छत्तीसगढ़ सिर्फ भगवान राम का ननिहाल ही नहीं है, उनके जीवन का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी गुजरा है। बता दें कि बस्तर के साथ ही सरगुजा में भगवान राम ने वनवास के दौरान समय बिताया था और सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी पर भगवान राम का शयन कक्ष है जो सीता बेंगरा गुफा के नाम से जाना जाता है। यह लक्ष्मण बेंगरा गुफा भी है जहां लक्ष्मण जी सोया करते थे। इस पहाड़ी पर राम जानकी मंदिर है, वहीं 3200 फीट की ऊंचाई पर है चंदन कुंड जिसमें सालों भर पानी रहता है। रामगढ़ की पहाड़ी पर बने इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं। बस ये सुना था कि राम जी जो है वो अपना वनवास स्टार्ट किए थे तो यहीं से शुरू हुआ था उनका वनवास, यहाँ से होते हुए बस्तर दंडकारण्य की तरफ गए थे। तो वही सुन के हम यहाँ पे पहाड़ियों का नज़ारा देखने के लिए आए हैं, मंदिरों का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आए हुए थे 14 वर्ष के वनवास में, कुछ दिन ठहरे हुए थे यहाँ पे, जिसमें से आपका जानकी तालाब हो गया, जिसमें सीता माता स्नान की थी यहाँ पे, फिर आपका जो चंदन तालाब है, चंदन गुफा है, वहाँ कुछ दिन ठहरे हुए थे, और बहुत सारे प्राचीन आपका मूर्तियाँ हैं जो राम काल के, राम भगवान के काल से अभी तक रखा हुआ है। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ उस समय यहाँ से होके हुए गुजरे थे, कुछ दिन यहाँ रुके थे।